हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी का फाइनल लिस्ट कल पब्लिश होने वाला है। सिर्फ कुछ घंटे रह गया है एनआरसी का फाइनल लिस्ट पब्लिश होने में। इस समय एनआरसी के बारे में कुछ हाई अलर्ट जारी किया गया है, कुछ सतर्कता जारी किया गया है और जरूरी खबर निकल के आ रहा है एनआरसी के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, आगे चल के इसके बारे में कोई भी अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए, क्या हाई अलर्ट है जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से पहले असम में अलर्ट, कई जगह दारा 144। पूरा देखिए, अभी देखिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार होने की प्रक्रिया के पूरे होने में अब एक दिन का समय बचा है। 31 अगस्त को एनआरसी का प्रकाशन होना है। इससे पहले असम की पुलिस ने प्रदेश में अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्य की पुलिस ने लोगों से भ्रम पैदा करने की कोशिश में जुटे तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों में नहीं आने अपील की है। पुलिस ने कहा कि सरकार ने उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मान की व्यवस्था की है जिनका नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आया हो। असम में एनआरसी के प्रकाशन के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के विभिन्न हिस्सों में दारा 144 लगाई गई है। एनआरसी को राज्य में मूल लोगों को अवैध बांग्लादेशियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच और असमी पहचान के सबूत के रूप में देखा जा रहा है। असम पुलिस ने गुरुवार को ट्वीट किया, सरकार ने उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मानक की व्यवस्था की है जिनका नाम यदि अंतिम एनआरसी में नहीं आया, अफवाहें पर ध्यान मत दे, कुछ तत्व समाज में भ्रम पैदा करने की चेष्टा कर रही है, नागरिकता सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनज़र विभिन्न हिस्सों में दारा 144 लगाई गई है। तो यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो को नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।